नमस्कार, मैं हूं अमलेन कुमार सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास शो चुनाव 2019 लोकसभा चुनाव का सियासी रण जारी है। अब सियासी पार्टियां जनता को रिझाने के लिए हर कोशिश कर रही हैं। राजनेता जनता के बीच जाकर नए नए वादे, नई नई सौगात दे रहे हैं। देश के कोने कोने में चुनावों की रणनीति तय हो रही है। एक तरफ NDA अपना कुनबा मजबूत कर रही है तो दूसरी तरफ विपक्षी नेता महागठबंधन का डर पैदा कर रहे हैं। ऐसे में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी तेज हो गई है। ऐसे में चुनावी समीकरण क्या कहते हैं, इस जोर आजमाइश के बीच सियासी अखाड़े में कौन मारेगा बाजी, कौन होगा चित, ये 2019 चुनाव के नतीजे तय करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले किसानों को बड़ी सौगात दी। देश के 1 करोड़ 1 लाख किसानों के खाते में मोदी सरकार ने 2,000 रुपये ट्रांसफर किए। माना जा रहा है कि किसानों का वोट बैंक साधने के लिए मोदी सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है। देखिए ये रिपोर्ट। चुनावों से पहले किसानों को बड़ा तोहफा, 1 करोड़ 1 लाख किसानों को मिले 2,000 रुपये। किसान सम्मान निधि योजना हुई लॉन्च। पूर्वांचल को पीएम मोदी ने दी सौगात। जय जवान जय किसान। चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने यूपी के गोरखपुर से देश के 1 करोड़ 1 लाख किसानों को 2,000 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में भेजे। गोरखपुर में प्रधानमंत्री ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि ये जो पैसा दिया जा रहा है आपके हक का है, कोई इसे वापस नहीं ले सकता है, न मोदी न ही राज्य की सरकार। ऐसी अफवाह फैलाने वालों को मुंहतोड़ जवाब देना। मोदी की इस कड़ी में किसानों को सीधी मदद देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि आज उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती से देश के करोड़ों किसानों के चरणों में अर्पित करता हूं। अब से कुछ मिनट पहले देश के 1 करोड़ 1 लाख किसानों के खातों में इस योजना की पहली किस्त ट्रांसफर करने का सौभाग्य मुझे मिला। भाइयों और बहनों, और मैं आपको बता दूं, ये तो अभी शुरुआत है। किसानों को 2,000 रुपये की किश्त देने के साथ प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल को कई योजनाओं की सौगात भी दी और दावा किया कि पूर्वांचल में 70 से ज्यादा योजनाएं जल्द ही पूरी होने वाली हैं। आज ही गोरखपुर और पूर्वांचल के विकास से जुड़ी लगभग 10,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया है। 10,000 करोड़ रुपया स्वास्थ्य, सड़क, रेल, रोजगार, गैस जैसे क्षेत्रों से जुड़ी ये तमाम परियोजनाएं इस क्षेत्र के जीवन को आसान बनाने वाली है। प्रधानमंत्री ने यहां किसानों का जिक्र करते हुए विपक्ष पर निशाना भी साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब चुनाव आते हैं तभी नेताओं को किसानों की याद आती है। पहले की सरकारों ने किसानों से सिर्फ और सिर्फ वादे किए हैं, वादों को पूरा हमारी सरकार ने किया है। पहले की सरकारों ने बातें तो बहुत की, कागज पे योजनाएं भी बनाई, लेकिन उनकी मंशा किसान को सशक्त करने की नहीं बल्कि किसान को छोटी छोटी चीज के लिए लगातार तरसाने की थी। उनमें किसान का भला करने की नीयत नहीं थी, इसलिए वो किसानों के लिए
कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकते थे। गोरखपुर से मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की शुरुआत की है। इस योजना की घोषणा मोदी सरकार ने अपने अंतरिम बजट में की थी। इस योजना के तहत देश के हर किसान को सालाना 6,000 रुपए दिए जाएंगे, जिसकी पहली किश्त प्रधानमंत्री ने देश के किसानों को समर्पित कर दी है। चुनावों से पहले किसानों को 2,000 रुपए की 2 किश्त देने का वादा है, बाकी 1 किश्त चुनावों के बाद। हालांकि विपक्षी नेता इसे मोदी सरकार का चुनावी स्टंट करार दे रहे हैं। फिलहाल देश के किसानों के खाते में 2,000 रुपए पहुंच चुके हैं। किसानों ने मोदी सरकार की स्कीम की तारीफ की है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार का चुनावी पैंतरा किसानों को लुभाने में कामयाब हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जय जवान जय किसान। कम जमीन वाले किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। 2 हेक्टेयर जमीन वाले किसानों को सालाना 6,000 रुपए इस योजना के तहत मिलेंगे। साल में 3 बार 2,000 रुपए किश्तों में दिए जाएंगे। योजना की रकम किसानों के खाते में जाएगी। 2 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि वाले करीब 12 करोड़ किसानों को इस योजना का फायदा मिलेगा। 1 दिसंबर 2018 से इस योजना को लागू कर दिया गया है। इस योजना में आने वाला पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। इस योजना का लाभ 12 करोड़ किसानों को मिलेगा। 31 मार्च तक सभी किसानों के खाते में रकम ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब तक 17,70,00,000 डेटा वेरिफिकेशन का काम पूरा कर लिया गया है। राज्यों को 25 फरवरी तक पीएम किसान पोर्टल पर किसानों को डेटा अपलोड करने होंगे। 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को इसका फायदा मिलेगा। तो सरकार पहले 3 चरणों में बैंक खातों की जांच करती है। राज्यों से डेटा अपलोड होने के बाद आधार नंबर से मिलान किया जाता है और उसके बाद लाभार्थियों के बैंक खातों से मिलान होता है। साथ ही वेरिफाइड डेटा बैंक को भेजे जाते हैं। तो पहली किश्त के लिए आधार की अनिवार्यता नहीं रखी गई है। दूसरी किश्त से आधार या उसके पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है। पहली किश्त में आधार या उसके पंजीकरण के स्थान पर वोटर आईडी जरूरी। लाइसेंस और नरेगा जॉब कार्ड लाभार्थी की पहचान का विकल्प भी होंगे। आइए आपको दिखाते हैं किसान सम्मान निधि योजना के तहत किन किन किसानों को लाभ मिलेगा और कौन इसके लाभ के दायरे में नहीं आएगा। तो सेवारत या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, मौजूदा या पूर्व सांसदों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। विधायकों और मंत्रियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पंजीकृत चिकित्सकों, इंजीनियर्स, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। वास्तुकारों और उनके परिवारों के लोगों को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो रिटायर्ड पेंशनर जिनको 10,000 रुपए का या इससे ज्यादा पेंशन मिलती हो, आयकर देने वाले परिवारों को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। ये तमाम लोग हैं का लाभ नहीं उठाएंगे। संस्थागत भूमि मालिकों को भी लाभार्थियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। केंद्र और राज्य सरकारों की मौजूदा या सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। पीएम मोदी किसान सम्मान योजना पर हमारे संवाददाता ने स्वामी प्रसाद मौर्य से बातचीत की। उन्होंने इस योजना को किसानों के लिए लाभकारी बताया और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मोदी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य, इनसे हम बात करते हैं कि क्या कुछ इस प्रांगण में और कितना खास होगा आज का ये कार्यक्रम जो ऐतिहासिक माना जा रहा है। स्वाभाविक रूप से आज गोरखपुर के इस फर्टिलाइजर मैदान में जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए एक नहीं अनेक तोहफे दिए हैं, किसान सम्मान योजना के माध्यम से किसानों को सम्मानित करने का रास्ता प्रशस्त किया है। 6,000 रुपया प्रतिवर्ष किसान के खाते में जाने देने का निर्णय लिया है। और यही नहीं, आज जिस तरीके से पर्याप्त खाद उर्वरक किसानों को बिना किसी लाइन और कतार में लगे मिल रही है,
नई वैरायटी के बीजों को जिस तरीके से सरकार सुलभ करा रही है और वहीं पर किसान सम्मान योजना के माध्यम से कृषि और किसान के उत्थान की चिंता के साथ सरकार किसानों के साथ खड़ी है, स्वाभाविक रूप से इससे किसान प्रोत्साहित है। आगे आने वाले समय में ये किसान देश की तस्वीर बदलेगा। अभी तक तो हमारा तकदीर बनाता ही था, अब देश की तस्वीर बनाने में भी किसानों का योगदान होगा और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के उस नारे को फिर से जोश खरोश के साथ यहां दोहराने का काम किया, क्योंकि अगर जवान सरहद पर देश की आन बान शान के लिए लड़ता है तो किसान देश की जनता को अन्न दे करके, रोटी दे करके इस देश को आगे बढ़ाने का काम करता है। स्वाभाविक रूप से यह ऐसे मौके पर किसान वंदनीय है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो तोहफे दिए हैं वाकई में स्वागत योग्य। इन सौगात से किसान खुश है, क्या फर्क पड़ेगा आने वाले समय में? किसानों को मेन तरह से पूरा फोकस किया जा रहा है। पहली बार देश की आजादी के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों के लिए ऐतिहासिक पहल की है। पूर्ववर्ती केंद्र की तमाम और सरकारें जिसमें केंद्र की ये केंद्र में रहने वाली सरकार कांग्रेस की थी 42 साल तक लगातार, उसने किसानों को कभी ताका तक नहीं। मात्र 4.5 साल में ही जहां गांव गरीब किसान की चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, वहीं पर नौजवानों को नई तकनीक से जोड़ करके अपने पैरों पर खड़ा करने का अभियान भी चलाया। उत्तर प्रदेश की तमाम बंद पड़ी मिलों को फिर से शुरुआत किया, चाहे चीनी मिलें हो चाहे खाद की मिल हो, इसका फिर से जीर्णोद्धार करके शुभारंभ करने का काम किया। बड़े बड़े मिल कारखाने भी स्थापित करने का सिलसिला जारी हुआ। मंत्री जी, इतना काम हो रहा है, योजनाएं हैं, किसान भी खुश है, लेकिन विपक्षी कह रहा है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए रैली की गई और किसानों को याद आई है सरकार। विपक्ष तो आज मुद्दा विहीन हो चुका है और यही कारण है कि बारी बारी से जनता ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को नकार दिया है। राजनीति के अखाड़े के बाहर हो चुके हैं, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आपस में मजबूरी में गठबंधन किए हैं। यही मायावती जो कल तक मुलायम सिंह यादव पर आरोप लगाती थी कि मुझ पर 2 जून 1995 में यूपी गेस्ट हाउस में जानलेवा हमला हुआ था, उसी जानलेवा हमला करने वाली नेता की पार्टी समाजवादी पार्टी से मायावती ने गठबंधन आखिर क्यों किया? इसे साफ जाहिर है कि आज इन पार्टियों का वजूद खतरे में है। ये जनता के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, जनता के मुद्दों से इनका कोई नाता नहीं है। अगर जनता के मुद्दों से कोई नाता होता तो इस गठबंधन का आधार कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम पत्रिका होता, मुद्दों पर आधारित होता। न दूर दूर तक कोई मुद्दा है, न न्यूनतम साझा कार्यक्रम है, केवल गठबंधन का नाटक है। इसलिए कि सपा बसपा दोनों का उत्तर प्रदेश से राजनीतिक बुरिया बिस्तर बन चुका है, अपनी को फिर से स्थापित करने के लिए ये नौटंकी कर रहे हैं, लेकिन जनता है सब समझती है मौके पर फिर तो से। एक और, क्या प्रियंका गांधी के आने से क्या बीजेपी की राह कोई मुश्किल होगी? देखिए, प्रियंका जी पहले भी राजनीति में सक्रिय रहती है, ये बात दिगर है कि राष्ट्रीय महासचिव पहली बार बनाई गई, लेकिन कांग्रेस की राजनीति में उनका दखल पहले भी था। जब प्रियंका गांधी पहले कोई करिश्मा नहीं कर पाई तो राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद ही कोई करिश्मा होने वाला नहीं है। इसलिए कांग्रेस को मुंगरीलाल के सपने नहीं देखना चाहिए। यानी मंत्री जी का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का जो जलवा है वो कायम रहेगा और फिर चाहे प्रियंका गांधी हो चाहे वो गठबंधन हो, कोई भी काम आने वाला नहीं है। फिलहाल इस एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ने इसी प्रांगण से पूरे देशवासियों को और खासकर किसानों को जोड़ने की बात कही है और आने वाले समय में एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा देश का प्रधानमंत्री बनाने का अपील किया है। और खासकर किसानों की बात करें और तमाम यहाँ के लोगों की बात करें, उनका भी यही मानना है कि शायद नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री कोई नहीं। कैमरा पर्सन अमित के साथ सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर। गोरखपुर दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुंभ पहुंचे। वहां प्रधानमंत्री ने कुंभ में आस्था की डुबकी लगाई और मां गंगा की आरती की। पीएम ने
यहां से देशवासियों को स्वच्छता का बड़ा संदेश दिया। हालांकि चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। कुंभ में प्रधानमंत्री ने लगाई आस्था की डुबकी, मां गंगा की प्रधानमंत्री ने की आरती, सफाई कर्मियों और स्वच्छाग्रहियों के धोए पैर, देशवासियों को स्वच्छता का दिया संदेश। जय गंगा मैया, जय यमुना मैया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है। रविवार को प्रयागराज पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के साथ मां गंगा की आरती और दूधाभिषेक किया। यहां प्रधानमंत्री ने स्वच्छता को लेकर देशवासियों को बड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने यहां सफाई कर्मियों और स्वच्छाग्रहियों को सम्मानित किया और उनके पैर भी धोए। पैर धोने के बाद प्रधानमंत्री ने पैरों को तौलिए से पोंछा भी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं देश के प्रधानमंत्री कैसे सफाई कर्मियों के पैरों को साफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यहां से देश की जनता को संबोधित करते हुए स्वच्छता का संदेश भी दिया। कुंभ में हठ योगी भी है, तप योगी भी है, मंत्र योगी भी है और इन्हीं के बीच ये कर्मठ मेरे कर्म योगी भी है। मेले की व्यवस्था में लगे वो लोग हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत कर श्रद्धालुओं को तमाम सुविधाएं मुहैया कराई है। मैं एनडीआरएफ के हमारे साथी भाई राजेंद्र गौतम को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कुंभ के कर्मयोगियों में साफ सफाई से जुड़े कर्मचारी और स्वच्छाग्रही भी शामिल है जिन्होंने अपने प्रयासों से कुंभ के विशाल क्षेत्र में हो रही साफ सफाई को पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना दिया। सियोल प्रेस प्राइज के तौर पर मुझे वहां जो राशि मिली, धन मिला, करीब करीब 1,30,00,000 रुपया जितनी राशि मुझे मिली, उस राशि को मैंने अपने पास नहीं रखा, मेरे लिए नहीं रखा, वो मैंने नमामि गंगे मिशन के लिए समर्पित कर दिया। इतना ही नहीं, यहाँ प्रधानमंत्री ने साधु संतों से मुलाकात की और कुंभ में लगे कर्मचारियों के साथ फोटो भी खिंचवाई। प्रधानमंत्री के दौरे पर पूरे देश की नजर थी क्योंकि कई दिनों से कुंभ में सियासी हस्तियों का आना जाना लगा था, जिसमें सबसे अहम दौरा प्रधानमंत्री का रहा। विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री के इस दौरे को सियासत का दौरा बता दिया। उनका कहना है कि चुनाव नजदीक है, इसलिए पीएम आज सफाई कर्मियों के पैर धोने को मजबूर है। ऐसे में कुंभ में सियासी दौरों का प्रधानमंत्री ने अंत कर दिया है। आस्था के नाम पर सियासत 2019 के चुनावों में कितना रंग लाती है, ये चुनावी नतीजे तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जय सरस्वती मैया, जय हो प्रयागराज की।